हेलो गाइस, आई गॉट दिस रिक्वेस्ट कि सर SCMP के प्रिपरेशन के लिए आप एक ऐसा प्लान बता दो जिससे हमारा प्रिपरेशन अभी तक हुआ हो नहीं हुआ हो कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा प्रिपरेशन हो जाए कि हम एग्ज़ाम निकाल लें। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर इस प्लान को आपके साथ में डिस्कस करने आया हूँ। इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स डैट विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट, और आप इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक सुनना बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन। चलिए सबसे पहले SCMP को हम बांट देते हैं तीन एरियाज में। वन इज़ थियोरी, सेकेंड इज़ प्रैक्टिकल, थर्ड इज़ केसेस। ओके, तो हम किस चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। थियोरी को हम पढ़ेंगे दो पर्सपेक्टिव से, एक है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ओके, तो ज़्यादातर करके जो थ्योरी है वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए। कुछ कुछ थ्योरी ऐसी है जो कॉन्सेप्ट के साथ में आपको रोट लर्निंग भी करनी पड़ेगी, यानी कि मगिंग अप इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ थ्योरी। तो आप बाइफर्केशन कर लेना कि कॉन्सेप्ट वाइज कौन सी है और रोट लर्निंग वाली कौन सी है। ये मोस्टली जिन्होंने मेरे वीडियोज़ देखे, मैं उसमें मैंने बताया भी है कि कहाँ पर हमें याद करके जाना होता है। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस के लिए करते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें अपने कॉन्सेप्ट को और कैसे अप्लाई करना है, कैसे बिल्ड करना है, उसमें हेल्प करते हैं। और प्रैक्टिस इसकी ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन अगर रिपीट हुए तो डेफिनेटली आपको करना आना चाहिए। और केसेस को हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप रटने के लिए कर रहे हो तो रट ही नहीं पाओगे। देयर आर 70+ केसेस ऑफ ICI एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी केस। ठीक है, तो रटने की कोशिश मत करो, आप अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है कि केसेस को पढ़ना है इन अ स्टोरी फॉर्मेट और फिर समझना है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को इस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर अप्लाई कैसे किया। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। ये तीन एरियाज के ऊपर आपको फोकस करना होगा, उससे अपना SCMP कंप्लीट होगा। अब मैं बांट रहा हूँ इन्हें चैप्टर फॉर्मेट, कौन कौन से चैप्टर के ग्रुप बना रहा हूँ। देखो, एक ग्रुप बनाया मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4 का। ठीक है, थ्योरी है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है, हमें पता है कि इनिशियली काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। उसके बाद 6 और 7 का बनाया, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। 6 तो डिसीजन मेकिंग है, 7 तो है अपना प्राइजिंग डिसीजन है, अगेन डिसीजन। चैप्टर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर है, 9 और 10 अलग ही अपने में चलते हैं, और 11, 12 अपना कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें 5 आपको दिख नहीं रहा क्योंकि सिलेबस से हटा दिया है। 1, 2, 3, 4 जो चैप्टर्स हैं इसका एक ग्रुप बना दिया। अब इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा आगे जाकर कि कैसे हम डे वाइज प्लानिंग कर सकते हैं। उसी तरह से बाकी सारे चैप्टर्स की भी बात करेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पेपर में किस तरह का पैटर्न दिखाई देने वाला है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग पेपर्स का एनालिसिस करते ही नहीं है, तो मैंने किया हुआ है, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि पेपर्स का पैटर्न किस तरह से होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही फॉलो हो जाए, बट दिस इज समथिंग दैट इज बींग सीन रिपीटेडली। तो मोस्ट कॉमन पैटर्न ये चल रहा है, एग्जैक्टली ऐसा बैठेगा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो केस स्टडी का होता है, वो तो फिक्स ही है। उसमें एक नई केस स्टडी आ सकती है, रिपीटेड आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब मेरे कुछ गैसेज हैं कि केस स्टडी कौन कौन से टॉपिक से आ सकती है, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, मैंने जनरली देखा है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर जो सब पार्ट्स होते हैं उसमें मोर और लेस प्रैक्टिकल पूछते हैं। एक सब पार्ट के अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी भी पूछी जा सकती है 3-4 नंबर के आसपास की, पर बाकी आपका जो डेडिकेटेड होता है एरिया दैट इज फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें सॉल्विंग करना पड़ता है एंड फॉर दैट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अब जो मैंने देखा है वो जनरली ये देखा है कि चैप्टर 6, 9 और 12 से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 इज नॉट कमिंग फ्रॉम चैप्टर 6, 9, 12। श्योर शॉट नहीं बोल रहा हूँ, एक एस्टिमेट बता रहा हूँ आपको, मोस्ट कॉमन बेसिस पर जो पैटर्न देखने में आ रहा है उसके बेसिस पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज नॉट फ्रॉम 6, 9 और 12, इट कुड बी फ्रॉम चैप्टर 8, 10, 2, 3 और 4, कुड बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में 3A 3B दोनों मिलाकर आपको थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्सचर दिखेगा। जितना प्रैक्टिकल पूछते हैं उतना ही थ्योरी भी पूछ लेते हैं, मार्क्स मोर और लेस इक्वल बेसिस पर होते हैं, 50-50 होते हैं, या फिर कभी कभी थ्योरी 60 पर चले जाता है, प्रैक्टिकल 40 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने देखा जनरली सबसे इजी होता है। ठीक है, उसका 4A और 4B तो इजी क्वेश्चंस के लिए होता है। अब उसमें से 4A जो होता है कभी कभी चैप्टर 6 के साइड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि प्रॉफिटेबल क्लाइंट को ड्रॉप क्यों किया, या फिर आउटसोर्सिंग के क्वालिटेटिव फैक्टर्स कौन से होते हैं।
ये चैप्टर 6 से पूछे जाते हैं। चैप्टर 7 के भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें हमें केस सिनेरियो दे देते हैं और बोलते हैं कि बताओ कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर लगाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A मुझे लगता है ईजी होता है। 4B इज ऑल्सो ईजी कंपेरेटिवली बाकी अपने जो क्वेश्चन आने वाले उनसे, पर इतना ईजी भी नहीं होता इतना 4A होता है, ये मैंने जनरली देखा है। 4C जो होता है ना, वो मैंने देखा है कि जनरली ट्रिकी क्वेश्चन होता है, अगर वो चैप्टर 9 से आ गया तो। चैप्टर 9 से क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, 4C पर अगेन मोस्ट कॉमन अप्रोच, तो ट्रिकी हो सकता है ये। ठीक है, अब हमें पता है कि चैप्टर 9 डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग से क्वेश्चन आना फिक्स है, 10 नंबर का क्वेश्चन या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो आपको अच्छे से चैप्टर 9 को पढ़ के जाना है। ओके, अगर 4C पर नहीं आया चैप्टर 9, तो फिर 5 और 6 में दिखाई दे सकता है, पर 4C पे आ गया तो शायद 5 और 6 में ना दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 5A 5B, 6A 6B, ठीक है, मोस्ट कॉमन अप्रोच, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, चैप्टर 6, 12, 9, 11, 4, 3, कभी कभी 8B। ओके, कभी कभी 8B, तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाले चैप्टर से मेरे को जनरली ये क्वेश्चंस पे पूछते हुए दिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये है अपना मोस्ट कॉमन पैटर्न। अब देखो इसमें थोड़ा सा और अगर हम डीप डाइव करेंगे, तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका लैंग्वेज वेग होता है, जो हमें समझ नहीं आता पढ़ के कि आईसीआई पूछना क्या चाहता है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें या तो आप सही कर सकते हो या गलत कर सकते हो, दो ही सिनेरियो, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, इधर इट इज व्हाइट और इधर इट इज ब्लैक। ठीक है, या तो आप फुल स्कोर कर लोगे अगर आपका इंटरप्रिटेशन सही हो गया तो, या फिर आप गलत भी कर सकते हो तो जीरो आ जाएगा, होने का चांस होता है। तो ऐसे में आपका उस क्वेश्चन के ऊपर इंटरप्रिटेशन में टाइम जाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ध्यान से पढ़ के समझना होगा और उतना टाइम हमारे पास में होता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ने वाले हो, ठीक है, छोड़ने का डिसीजन आपके ऊपर है, डिपेंड्स कि आपका प्रैक्टिस प्रिपरेशन कैसे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस तरह से मैनेज करना चाहिए अपने टाइम को कि इस क्वेश्चन के ऊपर आप ज्यादा टाइम निकाल पाओ। आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हमें वेग लग रहा है पढ़ के, समझ नहीं पा रहे कि कौन सा है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि अभी पिछले एग्जाम के अंदर, विच वॉज दिसंबर 2021 अटेम्प्ट, उसके अंदर हमें पता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से एक क्वेश्चन आया था जिसका लैंग्वेज काफी कॉम्प्लिकेटेड था समझने के लिए। ऐसा हर किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा जो ऐसा होता है। फिर मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो थ्योरी से आता है, ठीक है, आपको थ्योरेटिकल आंसर लिखना होता है, बट डायरेक्ट थ्योरी नहीं होती, यहाँ पर घुमाकर पूछा जाता है, आंसर भी घुमा के लिखना पड़ता है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें मार्क्स स्कोर करने में डिफिकल्टी हो सकती है, ज्यादा चांसेस इस क्वेश्चन में होंगे मार्क्स स्कोर करने में। ओके, तो इसे भी आपको थोड़ा केयरफुल रहकर ट्राई करना चाहिए। फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, चाहे वो रिपीटेड हो या रिपीटेड ना हो, कहीं ना कहीं मैनेजेबल हो जाता है। तो आपको अपना मेजर फोकस इन तरह के क्वेश्चंस पर रखना है और उसमें कोशिश करना है कि सिली मिस्टेक ना हो एटलीस्ट। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न अपन ने डिस्कस किया। अब मैं आपको डे वाइज प्लान बताता हूँ, मैंने जो डे वाइज प्लान बनाया ना उसके हिसाब से आई एम एबल टू कंप्लीट द एंटायर SCMP, इंक्लूडिंग केसेस, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग थ्योरी, एवरीथिंग फ्रॉम 0 to 100, सब कुछ आप कर पाओगे सिर्फ 8 दिन के अंदर। ठीक है, 8 डेज का प्लान बनाए, 8 दिन में आप इसको कर पाओगे। इफ यू फॉलो दिस अप्रोच इट माइट हेल्प यू। अब ये 8 दिन कैसे चलेंगे, सबसे पहले Day 1 आपको करना चाहिए Chapter 1, Chapter 2। Chapter 1 के अंदर अप्रोक्सीमेटली मैंने 3 घंटे काउंट किए, उस तरह का चैप्टर है भी नहीं, छोटा सा चैप्टर है। 1 घंटे में आपका कॉन्सेप्ट सारे रीड हो जाएंगे, आपके पास में अनजम्बल्ड है यानी कि हमारी बुक है तो आप उससे रीड कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपके पास में वो नहीं है और आप स्टडी मटेरियल को यूज कर रहे हो या किसी और मटेरियल को यूज कर रहे हो, तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर आप स्टडी मटेरियल को छोड़कर, और हमारी बुक का तो मुझे पता ही है कि स्टडी मटेरियल पर ही बेस्ड है, तो इन्हें छोड़कर अगर आप किसी और मटेरियल के ऊपर फोकस करते हो, तो आपको एटलीस्ट ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसका जो थ्योरी दिया हुआ है वो स्टडी मटेरियल पैटर्न पर ही दिया हुआ होना चाहिए। ओके, सो हमें कॉन्सेप्ट्स को रीड करना है, इट विल टेक यू अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। Chapter 1 के अंदर कोई ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस तो होता ही नहीं है, सो यू विल टेक 2 आवर्स टू रीड द केसेस फ्रॉम स्कोप व्यू, अगर आपके पास में स्कोप व्यू है तो, विच इज आर केस स्टडी बुक, और अगर नहीं है तो फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ से ये केसेस पूछे हैं। ठीक है, इफ यू हैव स्कोप व्यू तो आपके पास एडवांटेज होगा, लाइन से चल रहे हैं सारे अपने केसेस। सबसे पहले परीक्षा कॉमर्स टेस्ट करके केस है, केस स्टडी डाइजेस्ट में, जो कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के लिमिटेशंस पर पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट केस, यू शुड डू इट। फिर स्मार्ट के ऊपर
स्मार्ट नाम से एक केस दिया हुआ है मॉड्यूल 3 में. ओके, इट इज ऑन वैल्यू चेन एनालिसिस, अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट. पोटर्स 5 फोर्सेस प्लस डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग को मिक्स करके ना एक बहुत ही अच्छा केस बनाया, अगेन इन मॉड्यूल 3, शुड कंप्लीट इट. सेफ एंड वाइज एडवाइजरी लिमिटेड, अगेन फ्रॉम पोटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, पर बहुत अच्छा केस है, केस स्टडी डाइजेस्ट में पूछा था. उसके बाद बी एयरलाइंस करके कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पर केस है, नवंबर 20 आरटीपी में ये पूछा गया था सबसे पहले, आप वहां से इसे देख सकते हैं. फैब्रिक एंड क्लोदिंग नाम जैसा कुछ एक केस होगा, केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर. दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड केस, ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं है चैप्टर 1 से, इट हैज अ मिक्स ऑफ टॉपिक्स, तो अगेन यू शुड डू इट. ठीक है, ये सारे केसेस करने में आपको अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे जाएंगे. जैसा मैंने आपको बताया, यू हैव टू रीड इट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू डोंट हैव टू मग इट अप. फिर आप चैप्टर 2 के साथ स्टार्ट कर सकते हो. इट विल टेक यू अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स. मैंने ऐसा सोचा है कि 8 घंटे में आपका चैप्टर 2 हो जाएगा, विच इज क्वाइट मैनेजेबल. आपको 7 घंटे मैं दे सकता हूँ, मतलब आप 7 घंटे ले सकते हो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, फॉर रीडिंग द टॉपिक्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग देम, और 1 घंटे का हमने एलोकेट किया टाइम फॉर रीडिंग ऑफ द केसेस. ठीक है, ये 7 आवर्स में आपको कैसे करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड पिकअप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग. इसमें बहुत लिमिटेड रीडिंग है, खास करके थ्रूपुट अकाउंटिंग में ही है. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में तो ज्यादा रीडिंग की जरूरत है भी नहीं. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना हर तरह की कैटेगरी के कॉस्ट में, वो आपको एक बार रीड कर लेने चाहिए अच्छे से. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, थ्रूपुट अकाउंटिंग, थोड़ा बहुत रीडिंग किया, इट विल टेक यू लाइक 10-15 मिनट्स टू रीड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, थ्रूपुट अकाउंटिंग बोथ. ठीक है, ज़्यादा थ्योरी के ऊपर फोकस नहीं करना है. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में एग्जाम्पल्स और थ्रूपुट अकाउंटिंग में आपको पूरा जो थ्योरी दिया है, ज़्यादा हैवी नहीं, थोड़ा सा रीड कर लिया. स्पेसिफिकली इसके अंदर एक गोल्ड रैट्स 5 स्टेप मॉडल आता है, वो आपको याद करना होगा, वो थ्योरी है, वो पूछा भी जाता है. और इसके ऊपर जितने क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व कर लेना चाहिए. ठीक है, जितने भी क्वेश्चन जहां जहां पर भी न्यू सिलेबस में दिए हुए हैं, यू शुड सॉल्व ऑल ऑफ देम. फिर बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल के ऊपर आपको थ्योरी पढ़नी है. अब इसमें से EFQM मॉडल चेंज हो गया. अगर आपने नया वाला EFQM मॉडल नहीं किया है, तो मैंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ यूट्यूब पर, आप उससे समझ सकते हो पूरा मॉडल क्या है. ठीक है, TQM वापस से रीडिंग वाला पोर्शन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी रीडिंग वाला है, तो ये आपको रीड करना है. इसके ऊपर थोड़े से आपको सेट ऑफ क्वेश्चन मिल भी जाएंगे, तो आपको वो भी रीड कर लेना चाहिए अच्छी तरह से. एंड देन गेन शेयरिंग, सर्विस लेवल अग्रीमेंट. ये गेन शेयरिंग और सर्विस लेवल अग्रीमेंट के ऊपर अब प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आना शुरू हो गए हैं. गेन शेयरिंग के ऊपर आई थिंक देर आर अ सेट ऑफ 2 क्वेश्चंस, एंड सर्विस लेवल अग्रीमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट जर्नल के अंदर. वो आपको रीड करना चाहिए पहले तो ये टॉपिक्स को. ठीक है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रीडिंग इज मस्ट फॉर दीज टॉपिक्स. प्लस ये जो लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लो. ओके, तो ये होता है अपना 7 आवर्स का चैप्टर 2. उसके बाद 1 घंटा हम लगा सकते हैं केसेस को रीड करने में. तो एक मेमोरेबल ट्रेवल जैसा नाम का कोई केस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर. आई वॉजेंट एबल टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली कहाँ से पूछा था सबसे पहले, बट अगर आपके पास स्कोप व्यू है तो उसमें आपको मिल जाएगा मेमोरेबल्स नाम से. एंड आपके पास में अगर स्कोप व्यू नहीं है, तो आप थोड़ा ट्राई करके ढूंढ सकते हो उसे. और ये एक बहुत ही अच्छा केस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, और काफ़ी डिफरेंट केस है, यू शुड डू इट. सन इलेक्ट्रॉनिक्स का एक केस आपको मिलेगा मॉड्यूल 3 में, अगेन ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट. फिर स्टेवल होटल करके मॉड्यूल 3 में ही केस मिलेगा ऑन आउटसोर्सिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड राया हेल्थ केयर नाम से आपको गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर एक केस मिलेगा मॉड्यूल 3 में है ये भी अब, तो वो भी आपको करना चाहिए. ये केसेस को रीड करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 आवर. यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल ऑफ दीज 4 केसेस. अगेन अंडरस्टैंड करो, याद रटने की कोशिश मत करो. ये हुआ अपना डे 1, जिसमें हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो गया खत्म. फिर डे 2 की अगर बात करते हैं, तो इसमें आपको चैप्टर 3 के ऊपर फोकस करना चाहिए. ओनली चैप्टर 3 विल टेक यू 11 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली. सो बड़ा चैप्टर है, 5 आवर्स हमें एलोकेट कर सकते हैं फॉर JIT, TPM जिसके अंदर OE का कैलकुलेशन होता है, और सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंदर रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग मेथड का कैलकुलेशन होता है. ठीक है, सो JIT के क्वेश्चंस, TPM के और सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. इसमें लिमिटेड रीडिंग है, जैसे TPM के अंदर आपको 6 बिग लॉसेस पढ़ लिए, और आपको अलग अलग तरह के मेंटेनेंस प्रोग्राम्स है वो सब पढ़ने पड़ेंगे. सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी थ्योरी है वो पढ़नी पड़ेगी. JIT के अंदर प्री रिक्विजिट्स, उसके बेनिफिट्स, फीचर्स, वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे. तो लिमिटेड रीडिंग है, और सॉल्विंग के ऊपर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो मिक्स करके आएगा, सॉल्विंग भी पूछेंगे और आपको उसके ऊपर थ्योरी भी यूज करनी पड़ जाएगी. तो आपको दोनों के ऊपर इक्वली फोकस देना होगा इन JIT, TPM, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग. 5S, काइजन, BPR, सिक्स सिग्मा की बात करेंगे, तो इससे
सॉल्विंग करने वाले क्वेश्चंस कोई नहीं आते, यानी प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। आपको यहाँ पर रीडिंग करनी पड़ेगी थरो। अगर कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो आपको वो रीड कर लेने चाहिए अच्छी तरह से। एंड देन 4 आवर्स कैन बी एलोकेटेड फॉर रीडिंग केसेस। ठीक है, काफ़ी सारे केसेस हैं, आपको रीड करने में टाइम जाएगा। 5 घंटे हमने दे दिए सॉल्विंग करने में। देखो आपको बता दूं अगर कि अभी तक के एग्जाम पैटर्न में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर चैप्टर 3 से आया है तो वो आया है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो आपको फोकस वहाँ करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सारे टॉपिक्स को ज़्यादा नज़रअंदाज कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट। सो 5 आवर्स फॉर दीज, 2 आवर्स फॉर दीज टॉपिक्स एंड 4 आवर्स फॉर रीडिंग केसेस। अब कौन कौन से केसेस हैं, तो एक केस आई कुडंट मिस, बट दिस आर स्कोप व्यू एक्सक्लूसिव, जिनके पास स्कोप व्यू है वही कर पाएंगे, बाकी लोगों के पास में नहीं, क्योंकि आईसीए का केस ही नहीं है। दिस ऑन GIT पोलीजे क्लोथ्स। ठीक है, ये आपको करना चाहिए इफ यू हैव स्कोप व्यू। देन आईसीए वालों की बात करेंगे तो एक सरमाउंट केबल कार्स करके कैनमैन सिस्टम के ऊपर केस है, केस स्टडी डाइजेस्ट में इंट्रोड्यूस किया था, यू शुड कवर दैट अप, वेरी इंपॉर्टेंट। जेन लिमिटेड करके एक मॉड्यूल 3 में काइजन कॉस्टिंग के ऊपर केस है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 5S के ऊपर गोल्डन स्टार लिमिटेड May 20 RTP में पूछा था सबसे पहले, आपको वहां से करना चाहिए। रिफाइनरी कंपनी जैसा एक केस होगा मॉड्यूल 3 में, ऑन शुड बी ऑन TPM, वो आपको करना चाहिए। ये डर्बी ग्रे करके एक आपको केस सिनेरियो मिलेगा मॉड्यूल 1 में, यानी कि चैप्टर के साथ में ही मिल जाएगा, 6 सिग्मा के ऊपर है, और 6 सिग्मा और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये मिक्सअप होकर आता है। एब्सोल्यूट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड नाम से केस दिया हुआ है मॉड्यूल 3 में, वो जरूर से करना। उसके बाद शक्ति ऑटो लिमिटेड ब्रेड एंड बटर कंपनी, ये लीन सिस्टम के ऊपर जनरल केसेस है, पर बहुत अच्छे केसेस हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, और दोनों अलग अलग टाइप के, इसलिए दोनों को डालना पड़ा। तो ये दोनों केस स्टडी डाइजेस्ट में आए थे, आपको करना चाहिए। ठीक है, दिस विल कंज्यूम योर Day 2, और Day 3 के ऊपर जाएंगे हम लोग, तो Day 3 से एक Chapter 4 को शुरू कर सकते हैं, फिर Chapter 7 के ऊपर मूव कर सकते हैं, क्योंकि 5 तो एलिमिनेट हो चुका है और 6 हम लोग कंप्लीट कर नहीं पाएंगे अगर 4 करने के बाद करते हैं, तो इसलिए 7 को करना चाहिए, 7 कंप्लीट हो जाएगा। सो Chapter 4 के साथ में शुरू करेंगे अगर, इट विल टेक यू अप्रोक्सीमेटली लाइक 6 आवर्स फॉर यू टू कवर Chapter 4। स्मॉल चैप्टर है, 4 ही टॉपिक्स है, कौन कौन से, एक टारगेट कॉस्टिंग, पैरेटो, PLC यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 4 के अपने टॉपिक्स में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। सो 4 घंटे हम लोग दे सकते हैं फॉर सॉल्विंग एंड लिमिटेड रीडिंग ऑफ टारगेट कॉस्टिंग एंड पैरेटो एंड PLC एंड EMA का रीडिंग। ठीक है, तो आप सॉल्विंग करना है टारगेट कॉस्टिंग में, तो आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। पैरेटो के अंदर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बड़ा वाला क्वेश्चन उठा लो आप, सबसे बड़ा जो भी दिखता है, और उसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, सो दैट विल बी टारगेट कॉस्टिंग एंड पैरेटो। ये सॉल्विंग कर लिया, उसमें लिमिटेड रीडिंग है, पैरेटो के अंदर थोड़ी रीडिंग है कि कब कब आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। टारगेट कॉस्टिंग के अंदर थोड़ी थ्योरी ज्यादा है, पर काफ़ी ज़्यादा रेपिटेशन है, तो इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, लिमिटेड रीडिंग कहेंगे इसे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंप्लीट रीडिंग है, इसके ऊपर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसमें सॉल्विंग नहीं है, रीड करना पड़ेगा। EMA अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, तो वो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। एक एक दो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने वाले, ज़्यादा मिलेंगे नहीं, वो आप सॉल्व कर लेना। उसके अलावा मेजरली इस पर रीडिंग ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, दिस ये रटने वाला टाइप से हो गया एक तरह से अपना EMA। अब इसमें आपको कुछ केसेस रीड करने चाहिए, 2 घंटे लगेंगे, 3 ही केसेस है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक ये वाला जो केस है, ये तो एक केस सिनेरियो, इट विल टेक यू हार्डली 5 मिनट्स। ठीक है, पर इसमें और इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा। सो 2 घंटे से कम में भी आपका हो सकता है सारे केसेस को रीड करके। ड्रीम होम्स वेरी इंपॉर्टेंट केस, केस स्टडी डाइजेस्ट में पूछा था, टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर है, बहुत अच्छा है, आपको पढ़ना चाहिए। और ये EMA के ऊपर आपको केस मिलेगा मॉड्यूल 3 में, एक ऑयल कंपनी का केस है, वो आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर Chapter 7, Chapter 4 कंप्लीट हो जाएगा, 6 घंटे का टाइम हमने उसको दिया, 5 आवर्स इज रिमेनिंग फॉर द डे। ये मैं पूरे हर दिन पे मान रहा हूँ कि हम 11 11 घंटे देने वाले हैं SCMP को। फॉर द रिमेनिंग सेट ऑफ आवर्स आप किसी भी सब्जेक्ट को दे सकते हैं, ठीक है, आप बाकी जितना भी देना चाहें, फिर 11 के बाद भी बैठना होगा क्या? बिल्कुल। ओके, Chapter 7, 5 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर Chapter 7। इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि छोटा सा चैप्टर है तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सर। नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इसका थरो रीडिंग करना जरूरी है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी है साथ में रोट लर्निंग भी है। ठीक है, तो टाइम लगेगा, प्लस थोड़ा बहुत लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन इसमें है अवेलेबल, उनको सॉल्व करने में भी टाइम जाएगा। सो इट टेक यू लाइक 4 आवर्स 45 मिनट्स, ऐसे मैंने किया, टोटल 5 आवर्स है, 15 मिनट का टाइम आपको ये केस है जो पढ़ने में लग जाएगा, और बाकी का टाइम आप दे सकते हो फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही केस है, मॉड्यूल 2 में दिया होगा, यानी कि चैप्टर के साथ में ही है, नेटकॉम लिमिटेड नाम से, ये आपको करना चाहिए। बाकी जो है अपना रीडिंग हो गया और सॉल्विंग हो गया लिमिटेड,
वो आपको रिमेनिंग टाइम में कर लेना चाहिए। फिर डे 4 पे चैप्टर 6 कर सकते हैं शुरू। पूरा दिन आपको चैप्टर 6 में ही चले जाएगा क्योंकि सॉल्विंग है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर यू टू सॉल्व इट कम्प्लीटली। अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो लगा देना। तो आपको सॉल्व करना है, क्या क्या सॉल्व करना चाहिए, एवरीथिंग दैट इज गिवन बाय इंस्टीट्यूट इन द न्यू सिलेबस प्लस लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड सिलेबस। ये लिमिटेड सेट कहाँ से आएगा, जिनके पास अनजम्बल्ड है उनके पास तो है ही, बाकी लोग थोड़ा बहुत केयरफुली असेस कर लो आपकी बुक्स में जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। ओके, वो लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं क्या? जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं वो लोग ना करे तो ज्यादा सही है। और मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज के पिकअप आरटीपीस ऑफ ओल्ड सिलेबस एंड पिकअप क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम ओल्ड सिलेबस, और उसमें से चैप्टर 6 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, उसमें से भी देख लेना कितने रेलेवेंस है, जो रेलेवेंट वाले होंगे उनको सॉल्व कर लेना, तो आपका लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। 10 आवर्स कंप्लीट सॉल्विंग ऑफ दिस चैप्टर, 1 आवर फॉर रीडिंग द केसेस। 3 केसेस को पिक किया मैंने। एक है स्टार लिमिटेड का केस, मॉड्यूल 3 में दिया होगा, बहुत अच्छा केस है, एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन पर, ये तीनों ही। नटी बाइट्स नवंबर 19 आरटीपी में इंट्रोड्यूस किया था, बहुत अच्छा केस है, अगेन आपको रीड करना चाहिए वहां से। और एबीसी लिमिटेड नवंबर 20 आरटीपी में पूछा था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये केस सिनेरियो है, इट विल टेक यू हार्डली लाइक 5-10 मिनट्स। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है चैप्टर 6, गॉट इट? अब देखो ये जितने भी केसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना हर चैप्टर में, इसके अलावा और भी केसेस अवेलेबल हैं इंस्टीट्यूट के, ठीक है, पर मैंने वो वाले सिलेक्ट कर लिए जो मुझे लगता है कि ये तो आपको एटलीस्ट करके ही जाना चाहिए। सो इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू वांट टू डू मोर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप वो और कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि और अवेलेबल है। बट अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो भी आपको इतने तो करना ही चाहिए, गॉट इट? ठीक है, फिर डे 5 की अगर बात करेंगे, हमारा डे 4 पर चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया एंड डे 5 पर चैप्टर 9 और 10 पे जा रहे हैं। देखो 7 तक हो चुका है, 8 अभी नहीं कर रहे, पहले 9 और 10 पे जा रहे हैं। सो 9 और 10 दोनों ही पूरी तरह से सॉल्विंग वाले, थोड़ा बहुत सेट ऑफ रीडिंग तो देखो हर ही चैप्टर में होता है ना, तो वो आपको करना है, बट वेरी लिमिटेड, लाइक एक्सट्रीमली लिमिटेड रीडिंग इज देयर, पर मेजरली सॉल्विंग है। तो आपको चैप्टर 9 में 7 आवर्स लगाकर पूरे सारे जितने क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो सारे सॉल्व करने चाहिए। चैप्टर 10 में 4 आवर्स लगाकर जितने क्वेश्चन अवेलेबल है सारे सॉल्व करने चाहिए हर टॉपिक से। स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी टॉपिक उसके अंदर ही है, एक्टिविटी फ्लेक्सिबल बजटिंग भी उसके अंदर ही है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का टॉपिक भी उसी के अंदर है। ये टॉपिक्स को जनरली स्टूडेंट छोड़ देते हैं, सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करके खत्म कर देते हैं। नहीं, आपको ये सारे भी सॉल्व करने होंगे। ओके, सो 4 आवर्स कंप्लीट सॉल्विंग, 7 आवर्स कंप्लीट सॉल्विंग। इसमें से आपको चैप्टर 10 में से, ठीक है, पहली बात, इसमें चैप्टर 9 के ऊपर एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने ऐसे पिक करके और एक वीडियो बनाया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे रेफर कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। और चैप्टर 10 में डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उससे आपके सारे क्वेश्चन जाएंगे डीपीपी के। और मैंने स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, इनकेस अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो वो कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन किया है, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे वहीं पर, और साथ ही में एक क्वेश्चन कराया जो ओल्ड सिलेबस से है और न्यू सिलेबस में वो नहीं दिया हुआ है, पर वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, तो वो आप कर सकते हो। ढूंढ लेना चैनल पे, या फिर मैं नीचे लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इन वीडियोज की, आप वहां से देख सकते हो। 4 आवर्स कंप्लीट सॉल्विंग। उसके बाद डे 6, इन पे केसेस नहीं है, चैप्टर 9 चैप्टर 10 पे कोई केस है नहीं अवेलेबल। डे 6 में चैप्टर 11 चैप्टर 12 को पिकअप कर रहे हैं। चैप्टर 11 विल हार्डली टेक यू लाइक 3 आवर्स, ठीक है, छोटा चैप्टर है, 2 घंटे में आपकी थरो रीडिंग हो जाएगी, थरो रीडिंग हो जाएगी। ओके, थोड़ा यहाँ पर रोट लर्निंग का आता है एरिया, बियॉन्ड बजटिंग वाला, वो आपको याद करना है। अब ये जो रीडिंग है कॉन्सेप्ट की नहीं, इसमें जितने क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे उनको भी रीड करना होगा आपको। ओके, इंक्लूडिंग दैट, फिर 1 घंटा आपको जाएगा अप्रोक्सीमेटली टू रीड द केसेस। इसमें भी कुछ केसेस हैं, 4 केसेस मैंने पिक किए, उनको पढ़ने में आपको 1 घंटे के आसपास टाइम लग जाएगा। एक है विंग्स इंटरनेशनल का, मॉड्यूल 3 में दिया हुआ ये, ठीक है, फीडबैक और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के ऊपर ये केस है, बहुत अच्छा केस है, इसको लिंक किया गया, इन्होंने किया है विद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम चैप्टर 1। उसके बाद एक्सीलेंट वुडक्राफ्ट आता है जो कि पार्टिसिपेशन के ऊपर है, मॉड्यूल 2 यानी कि चैप्टर के साथ में ही ये केस है, वो आपको रीड करना चाहिए। मिस्टर सिंह का एक केस सिनेरियो मिलेगा, वो भी चैप्टर के साथ में मिल जाएगा, वो भी रीड करना चाहिए। और एक मैजिकल स्टेज करके मॉड्यूल 3 में केस दिया हुआ है ऑन बियॉन्ड बजटिंग, ये भी आपको कवर करना ही चाहिए। फिर 3 आवर्स के बाद में चैप्टर 12 पे 8 आवर्स हम लोग लगा सकते हैं, ये 8 आवर्स के अंदर आप 7 आवर्स में सॉल्विंग करोगे। ओके, जिसमें
जितने नए सिलेबस में क्वेश्चंस है उतने ही देखने हैं, न्यू सिलेबस के क्वेश्चंस को ही देखना है, उन्हें सॉल्व करना कंप्लीटली विद द रीडिंग ऑफ इंटरप्रिटेशंस आल्सो। और लिमिटेड रीडिंग आएगा, यानी कि चैप्टर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कब कब करना चाहिए, या फिर हमारे इंटरप्रिटेशन के कुछ सीन्स दिए हुए वहां पर, वो आपको लिमिटेड रीडिंग कर लेना चाहिए। एंड कंप्लीट सॉल्विंग को इंश्योर करो 7 आवर्स में हो जाएगा। 1 घंटे में हम लोग केसेस के लिए टाइम निकाल सकते हैं। 1 केसेस इन मॉड्यूल 3 HAL एयर कंडीशनिंग कंट्रोल सिस्टम के ऊपर केस बनाए, और भाटिया मोटर वर्क्स करके एक केस दिया हुआ है केस स्टडी डाइजेस्ट में, एडवांस्ड ब्रांचेस के ऊपर केस बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको करना चाहिए। चैप्टर 12 हो जाएगा, उसके बाद हम डे 7 और डे 8, 2 दिन लग जाएंगे चैप्टर 8 को कवर करने में। बहुत ही बड़ा चैप्टर है और काफी कुछ याद करने के लिए भी है, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली आई एम थिंकिंग 2 डेज विल बी सफिशियंट, 20 आवर्स ही माने हैं मैंने। तो अगर आपका चैप्टर 12 से अभी तक कुछ छूट जाता है तो आप 2 घंटे लगाकर उनको कंप्लीट कर सकते हो डे 7 पर। उसके बाद चैप्टर 8 के साथ शुरू करोगे तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे अप्रोक्सीमेटली टू कवर ROI, RI एंड EVA। इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे में। ओके, देन यू कैन एलोकेट 2 आवर्स फॉर बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। अब इसके ऊपर आप रीडिंग तो बहुत क्विकली कर पाओगे, ज्यादा थ्योरी है ही नहीं इसके ऊपर, पर इसके ऊपर केस स्टडी डाइजेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए थे इन्होंने जो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, उसको आपको बहुत थरली रीड करना चाहिए। उसके बाद में 1 आवर अप्रोक्सीमेटली फॉर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, इसके भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत अच्छे हैं, उसका भी थरो रीडिंग होना चाहिए आंसर्स का। देन 2 आवर्स फॉर परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म एंड ट्रिपल बॉटम लाइन, ये वो टॉपिक्स है जिसपे रीडिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, थोड़े बहुत सेट ऑफ क्वेश्चन है उसकी रीडिंग कर सकते हो आप। ओके, इनकी कॉन्सेप्चुअल रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आपको परफॉर्मेंस पिरामिड पे क्वेश्चन मिल जाए, वैसे तो केस में कवर हो जाएगा पर क्वेश्चन मिल जाए तो, 1-2 दिए हुए हैं बुक के अंदर, आई थिंक 1 दिया हुआ है परफॉर्मेंस पिरामिड के ऊपर जो क्वेश्चन होता है उसको, उसके आंसर को आपको बहुत अच्छी तरह से रीड कर लेना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से। ओके, फिर बेंचमार्किंग और नॉट फॉर प्रॉफिट में लिमिटेड रीडिंग है, बट थोड़े सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो आप कवर कर सकते हो। बेंचमार्किंग के ऊपर तो नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट के ऊपर है। सो आई एम गिविंग, आई एम थिंकिंग दैट विल टेक यू लाइक ऑलमोस्ट 2 आवर्स फॉर कंप्लीटिंग दैट, ठीक है। और फिर 11 घंटे हम लोग लगाएंगे इन रीडिंग केसेस। तो केसेस कौन कौन से रीड करने हो बता देता हूँ, इट विल टेक यू 11 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा हैं, कुछ कुछ बहुत बड़े भी हैं और काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सो पहला तो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम एडिंग दिस, ये स्कोप व्यू एक्सक्लूसिव है, ठीक है, जिनके पास स्कोप व्यू है वही कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, इंस्टीट्यूट के नहीं है। एक टॉप स्पोर्ट्स कंपनी नाम से केस दिया हुआ है, इनोविकल्स के नाम से दिया हुआ है और मशायर के नाम से दिया हुआ है, ये 3 केसेस आपको करने चाहिए। दिस ऑन ROI, RI और ये दोनों EVA के ऊपर है, ठीक है, ये दोनों को कवर आपको करना ही है कुछ भी हो जाए। देन एक लग्जो करके आपको केस मिलेगा मॉड्यूल 3 में, वो आपको कवर करना चाहिए। देर इज अ फेयर और फ्लेयर ऐसा कुछ करके कंपनी का नाम दिया हुआ है, ये मॉड्यूल 3 में केस है बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर, ये दोनों ही बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर है, ये आपको कवर करने चाहिए। भल्ला एंड सिंह LLP करके केस स्टडी डाइजेस्ट में इन्होंने केस ऐड किया था बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर, शुड रीड दैट। और एक कॉमर्स कॉलेज वाला केस मिलेगा आपको अगेन इन केस स्टडी डाइजेस्ट, अगेन ऑन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, यू शुड कवर दैट अप एज वेल। फिर एक कॉर्नर पिज्जा है परफॉर्मेंस पिरामिड पे, केस स्टडी डाइजेस्ट में ऐड किया था, इसे रीड करना जरूर से। परफॉर्मेंस प्रिज्म पे ऑडियो टेक करके एक केस इन्होंने लाया था, May 19 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट था ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो May 19 का था वॉज ऑडियो टेक कंपनी वाला क्वेश्चन, यू शुड कवर डाटा परफॉर्मेंस प्रिज्म से है ये। उसके बाद में लाइट ऑटो मोबाइल लिमिटेड समथिंग लाइक दैट इज गिवन इन मॉड्यूल 2, यानी कि चैप्टर के साथ में, ये अपना नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर केस है, ये आपको कवर करना चाहिए। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर ये स्पाइसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट करके May 20 RTP में केस मिलेगा आपको, आपको वो कवर करना चाहिए। पेपर सोल्यूशन लिमिटेड या पन्ना ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है इसमें, जो भी है PSL आपको मिलेगा मॉड्यूल 3 में ट्रिपल बॉटम लाइन के ऊपर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ट्रिपल बॉटम लाइन का एक क्लोदिंग कंपनी का केस है, केस स्टडी डाइजेस्ट में मिलेगा, वो कवर आपको करना होगा। क्योर हॉस्पिटल नाम से केस मिलेगा आपको नवंबर 2019 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, यानी कि केस स्टडी जो है नवंबर 2019 की, क्वेश्चन नंबर 1 वह क्योर हॉस्पिटल के ऊपर, वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क से है ये, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कवर दैट अप। और सिल्वर सैंड्स करके वैल्यू फॉर मनी के ऊपर एक और केस है मॉड्यूल 3 में, ये भी आपको कवर करना चाहिए। उसके अलावा ये नवंबर 20 के एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है, आपको ये सारे केसेस को कवर करना होगा। ओके, अब जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि केस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, उस पर मैं थोड़ा गैस कर रहा हूँ, कोई श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है, मेरा गैस वर्क है ये। मुझे जो नाम याद है कि ये सारे टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक से पूछी जा सकती है केस स्टडी, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ इस बात की कि इन्हीं में से आएगा, ठीक है, सीधी बात।
तो केस के गैसेस कहाँ कहाँ से हो सकते? देखो मेरा गैस वर्क है, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस से केस आ सकता है, ठीक है, अगर आया तो आ सकता है, इससे बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और इससे केस बहुत सारे बन भी सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी आने का चांस होता है, ओके, आया हुआ अभी है, जनवरी 19 में आया था, तो रिपीट एक और वापस से भी आ सकता है। टीपीएम से आ सकता है, ठीक है, अभी तक कुछ पूछा नहीं टीपीएम से ज़्यादा कभी, एक्सेप्ट फॉर प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओई पे पूछते हैं, पर केस देना चाहें दे सकते हैं। सिक्स सिग्मा के ऊपर नहीं पूछा ज़्यादा कुछ, उसके ऊपर केस देने का चांस हो सकता है। बीपीआर के ऊपर ज़्यादा नहीं पूछा, उसके ऊपर केस अच्छे बन सकते हैं। ईएमए के ऊपर कुछ केसेस बन सकते हैं, ओके। प्राइसिंग स्ट्रेटजी के ऊपर भी कुछ, एक केस उन्होंने के अपने स्टूडेंट जर्नल में डाला था, वो आ सकता है। ईएमए के ऊपर ऑल्दो अभी दिसंबर 20 में पूछ लिया था, दिसंबर 21 में, तो शायद उसका चांस कम हो जाए, पर यू नेवर नो, क्योंकि नवंबर 19 में वैल्यू फॉर मनी से आया था, नवंबर 20 उसके बाद अगला एग्जाम हुआ था, मई 20 तो हुआ नहीं था, तो नवंबर 20 में भी वैल्यू फॉर मनी से आया था, सो ईएमए से रिपीट भी हो सकता है, कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और पार्टिसिपेशन इन बजटिंग चैप्टर 11 का पार्ट है, इससे भी आने का चांस मेरे को ऐसा है कि लक हो सकता है, ठीक है, इससे भी आ जाए, चैप्टर 8 के किसी भी टॉपिक से आ सकता है। चैप्टर 8 में तो आपको रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, चैप्टर 8 से ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार केसेस आए। देखो मई 18 नवंबर 18 में तो केस आई नहीं, मई 19 के अंदर परफॉर्मेंस प्रिज्म के ऊपर आया चैप्टर 8, नवंबर 19 के अंदर वैल्यू फॉर मनी से आया चैप्टर 8, नवंबर 20 के अंदर भी वैल्यू फॉर मनी से आया चैप्टर 8, ठीक है, तो चैप्टर 8 से किसी भी टॉपिक से केस आ सकता है। बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक ज्यादा कुछ पूछा ही, कभी पूछा ही नहीं एग्जाम में, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं, उनके पास में बहुत स्कोप है टू आस्क एनी केस फ्रॉम चैप्टर 8, तो चैप्टर 8 पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। और बाकी में मैंने आपको गेस वर्क बता दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इसी के बेसिस पर चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहां पर ध्यान दिया बाकी सब छोड़ दिया, नहीं, आपको यहां पर पॉसिबली फिर एक्स्ट्रा ध्यान दे दो, ये मेरा गेस वर्क है। आपको अगर इसमें कुछ एडिशन करना है आप एडिशन कर देना, अगर आपको इसमें से कुछ डिलीशन करना है आप डिलीशन कर देना, वो आपके ऊपर, ये मेरा गेस वर्क था, मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया, ठीक है, अगेन कोई गारंटी नहीं देता मैं कि इसी में से आएगा, दिस इज जस्ट गेस वर्क, प्लेन गेस वर्क है, ओके। तो ये हो गया भाई, अगर आपका फ्रॉम स्क्रैच आप शुरू करते हो एस सी एम पी, दिस कुड बी योर प्लान, मेक श्योर कि आप अच्छी तरह से करें। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट करके फ्री डाउनलोड सेक्शन से, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री रिसोर्सेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।